अब यहां से चार मैचेस हैं, देखना है कि टॉप थ्री में, देखिए एक इनिंग के बाद बड़ी इलेवन गुरसई बी के कैप्टन और खार्डी के कैप्टन, आप दोनों को वीआईपी पे आना है। एक इनिंग के बाद जो हम चिट्टी उठाने जा रहे हैं, नया सिस्टम है, पहले दो चिट्टी जो उठाएंगे उनका मैच रहेगा और जो नीचे बची हुई चिट्टी रहेंगी उसको आगे चाल दी जाएंगी। जो चिट्टी आगे जाएंगी वो फाइनल में पहुंचेंगी। विजेता टीम मैंने इस मैच की एक चिट्टी पे लिखा जाएगा, एक पे खार्डी, एक पे पड़ी इलेवन गुरसई बी। और एक इनिंग जब खत्म होंगी तो पड़ी इलेवन गुरसई बी के कैप्टन और खार्डी स्पोर्ट्स के कैप्टन, आप दोनों को आना है। बहुत ही बड़ा मुकाबला जिसकी शुरुआत होने जा रही है। जीतने वाली टीम टॉप थ्री में पहुंच जाएगी। दो टीमें ऑलरेडी टॉप थ्री में अपनी जगह बना चुकी है, परी इलेवन गोरसई बी और गावदेवी स्पोर्ट्स खारडी। तीसरी टीम कौन सी रहेगी ये देखने वाली बात है। गहरा संघर्ष हो सकता है इस मैच में, दोनों भी मजबूत टीमें हैं। अच्छा बैलेंस नजर आता है दोनों टीमों की तरफ अब जब नजर डालते हैं तो, क्योंकि ऑलराउंडर्स भी अच्छे हैं दोनों टीमों के पास। यस बट देर इज अ स्लाइटली प्लस पॉइंट बिकॉज सरोली प्लेइंग इन हिज होम ग्राउंड। जी बिल्कुल, मैंने पहले भी जिक्र किया था कि सरोली को सरोली में हराना उतना आसान नहीं रहा है किसी भी टीम के लिए, आप इतिहास भी उठाकर देखिएगा। सलामी बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके हैं नितिन पाटिल और उनके साथ सचिन। पहला ओवर लेकर सागर फुलोरे, हमने के बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर, एक लॉन्ग ऑन है और एक डीप स्क्वेयर लेग की तरफ खिलाड़ी रखा गया है। पहली गेंद और पहली गेंद स्वीप लगाना का प्रयास, वहां पर हड़बड़ाहट के साथ खेल पाए थे, थोड़ी अपील भी हुई लेकिन अंपायर की सहमति नहीं और लेग 22 का इशारा, अतिरिक्त के सौजन्य से खाता खुला है। पहली गेंद पर एक सिंगल, बढ़िया गिनती। आइए देखते हैं किस तरह से स्वीप लगाना चाहता, फ्रंट फुट को आगे खींचकर इंपैक्ट आउटसाइड लेग स्टंप था लेकिन रन बनता हुआ एक। कल रात का अंतिम मैच काफ़ी ज़बरदस्त मुकाबला रहा था बंद्रा मारुति काल्लेर और जय हनुमान सरवली के बीच में, और बड़ा टोटल चेज किया गया था सरवली के बल्लेबाजों द्वारा। गति में परिवर्तन, लेंथ में परिवर्तन समझ नहीं पाए थे बल्लेबाज और थोड़े टेंटेटिव लगे, खेले ना खेले थोड़े असमंजस में थे बैट्समैन सचिन चौधरी। बिल्कुल, खेले ना खेले इससे पहले कि वो कुछ करते गेंद उनके इरादे और बल्ले दोनों को बीट करते हुए विकेट कीपर के पास, खिंची भी लेंथ थी, पीछे रखा था इस गेंद को। कल के मैच में बहुत अच्छी बैटिंग की थी दोनों बल्लेबाजों ने, इस बार हुक करना चाहते थे फिर से बीट हुए। बहुत ही शानदार शुरुआत यहाँ पर सागर फुलोरे द्वारा, अच्छे रिदम में नजर आते हुए। ब्यूटीफुल बॉल राइजिंग एंड सरप्राइजिंग जस्ट पास द नोज, परफ्यूम डिलीवरी, लवली स्टार्ट फ्रॉम पेस अटैकर सागर फुलोरे। काफ़ी फर्क लग रहा है तो इस समय सचिन की बल्लेबाजी में और कल रात का जो मैच हमने देखा था, कितने क्लासिक शॉट्स खेले थे दोनों ने भी। नंदन पाटिल के ओवर में 18 रन बनाए थे। इस बार गेंद दबा में, मिस टाइम स्ट्रोक है, आसान सा कैच, कोई गलती नहीं, शॉट फाइन लेग पर, और लग ही रहा था कि ज़्यादा देर तक क्रीज पर टिक नहीं पाएंगे सचिन जिस तरह से खेल रहे थे। शून्य पर आउट। आज सामने गवर्नर मामा ग्रुप चषक नावानी केला आयोजन हेंदर मामा निकर्सन दादानी। बिल्कुल आपने सही आकलन किया, क्योंकि जब आपका गेंद बल्ले भी नहीं आती है तो बलस्वरूप बैट्समैन बड़े स्ट्रोक को जाता है, नतीजा निकला के सस्ते में आउट हो गए। पहला झटका लगता हुआ जे एच सरोली को, पड़ी इलेवन के कैप्टन और खार्डी स्पोर्ट्स के कैप्टन। पांच ओवर के बाद हम चिट्टी उड़ाने जा रहे हैं, पहली दो चिट्टियां रहेंगी उनके बीच मैच रहेगा, नीचे बची हुई चिट्टी को फाइनल में प्रवेश दिया जाएगा। किस्मत आजमाई जाएगी लेकिन उससे पहले काफी मेहनत भी तो की है इन टीमों ने। लेकिन आज अगर चिट्टी के बलबूते पे कोई टीम आगे जाती है ना तो पंकज उदास का चिट्टी आई है वो गाना भी पीछे रह जाता है।
नए बल्लेबाज क्रीज पर पहुंचे हैं, मैदान में काफी सारे दर्शक मौजूद है स्टैंड्स में, लेकिन पिन ड्रॉप साइलेंस है क्योंकि शुरुआत काफी निराशाजनक रही है जय हनुमान सरवली की। वन डाउन खेलने के लिए नितेश आए हैं, दाहिने हाथ के अच्छे स्ट्रोक प्लेयर। सागर चले दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। ओहो मोमेंट, इस बार गति भी थी, क्या कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं सागर। बहुत ही जबरदस्त फास्ट और फ्यूरियस गेंदबाजी, और सबसे बड़ी बात है कि इतनी रफ्तार पे उनको कितना अच्छा नियंत्रण है अपनी लेंथ और लाइन पे। थोड़ा बाहर कटी थी, काटा बदला था गेंद ने। बल्लेबाज तो मानो हक्के बक्के और भौचक्के रह गए। स्कोर केवल एक रन, वो भी लेग बाइस के जरिए बना है। इस बार थोड़ी छोटी गेंद थी, हल्की सी पीछे रखी हुई गेंद, पुल करना चाहते थे बीट हुए बैट्समैन। इस गेंद पर भी कोई रन नहीं और इसके साथ ही ये सफल ओवर समाप्त होता हुआ। सागर फुलोरे का गजब की शुरुआत, आमने स्पोर्ट्स आमने टीम की टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करते हुए, और पहले ओवर के बाद स्कोर केवल एक रन एक विकेट के नुकसान पर। वैसे नियमों के अनुसार ये मेडन ओवर माना जाएगा, विकेट मेडन, क्योंकि पहला रन जो बना था वो एकमात्र रन बना है, वो भी लेग बाइस के जरिए। गजब की बॉलिंग की मैंडेटरी पावर प्ले में, इससे अच्छी गेंदबाजी क्या हो सकती है, आप एक रन दे और एक विकेट ले। वीआईपी डाइस आज मेहमानों से खचा खच भरा हुआ, ये जताता है कि हिंदर मामा से कितना प्रेम है, उनके अपने क्या कॉन्टेक्ट्स हैं और क्या उनका मकाम है इस भिवंडी तालुका में। स्वागत है आप सभी का, मौसम है सुहाना, हर कोई है हिंदर मामा का दीवाना, मामा चषक का दीवाना। जी हाँ, मामा ट्रॉफी ने क्रेजी किया रे। नेवर लेकर गेंदबाज तैयार होते हुए किरण दलवी। सागर ने टॉस में कहा भी कि बल्लेबाज कहीं ना कहीं उतने अच्छे फॉर्म में नजर नहीं आए हैं, तो वो एक एरिया है, वो एक बॉक्स है जिसको टिक करना चाहेंगे, लेकिन शुरुआत बहुत ही खराब रही है। स्ट्राइक इस समय नितिन के पास, किरण के ओवर की पहली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट। जगह बनाकर कट करना चाहते थे, पूरी तरह से छूक गए। गेंद और बल्ले के बीच में तो मिलन ही नहीं हो रहा है। दर्शन दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है बल्लेबाजों पर, और दबाव को हटाना है तो कहीं ना कहीं अब यहां से मुझे लगता है कि बाउंड्री ढूंढनी होगी, अटैक करना होगा, अटैक करने की आवश्यकता है। इस समय तीन खिलाड़ी बाउंड्री पर। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर जाकर स्वीप करना चाहते थे, फिर से बात बनी नहीं, केवल हवा हवाई शॉट्स खेले जा रहे हैं। गेंद और बल्ले में कोई संपर्क देखने को नहीं मिल रहा है, और ऐसे लग ही नहीं रहा है कि सरवली टीम खेल रही है, वो भी अपने घरेलू मैदान पर। ड्रीम स्टार्ट में समझता हूँ आमने स्पोर्ट्स आमने टीम के लिए, एक तो टॉस भी उनके पक्ष में गिरा और बिल्कुल सही फैसला कैप्टन का साबित हुआ है अभी तक जिस तरह से खेल चला है। इस बार दिशाइन गेंद, उसका पीछा किया, नो बॉल, शायद क्रीज के बाहर गेंद पिच हुई है, इसीलिए बल्ला फेंक दिया था उस गेंद पर, लेकिन संपर्क नहीं बना पाए नितिन। आइए देखते हैं, बिल्कुल जो रिटर्न क्रीज है उसके भी बाहर जाके गेंद गिरी थी, आपने सही कहा बल्ला फेंक दिया था, इसे कहते हैं लगा तो मटका नहीं तो झटका। सही सोच थी बैट्समैन की, क्योंकि उनको पता चल गया था कि ये नो बॉल है, इसीलिए उन्होंने बल्ला चलाया था, लेकिन ज्यादा कुछ फायदा हुआ नहीं। अगली गेंद फ्री हिट, अब की बार सही संपर्क गेंद और बल्ले के बीच में, गेंद को भेज दिया है बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर ऑन साइड में, बाउंड्री लाइन के बाहर, इस मैच का पहला चौका। बहुत खूबसूरत शॉट, लेफ्ट स्वीप, चूक कर खेला था लेकिन कनेक्ट प्रॉपर मिडल ऑफ द बैट, एंड बॉल इज ट्रेवलिंग ऑल द वे टू द बैकवर्ड स्क्वायर लेग, वन बाउंस क्रॉस द बाउंड्री फॉर फोर। दर्शकों को सेलिब्रेट करने का मौका मिला आखिरकार, पहला बड़ा स्ट्रोक, चार रनों से स्कोर आगे बढ़ता हुआ, जय हनुमान सरवली का 6 रन एक विकेट के नुकसान पर। हमारे बीच कोनगांव से माननीय श्री हनुमान कराली साहब का शुभागमन होता हुआ, आपका हार्दिक स्वागत है, आपसे रिक्वेस्ट है आपको मंच पर आना है, मामा ट्रॉफी 2023 में आपका दिल की गहराइयों से हम स्वागत करते हैं। इस बार निकल के मारा है, एक और दर्शनीय स्ट्रोक, ओवर द कवर्स, 4 रन और। बदल दिया गेयर नितिन पाटिल ने, 2 पे 2 चौके लगाए हैं, जो आप सपोर्टर्स हैं और जो बच्चे हैं
उनके वो जो शारजा के भोंगू बाजे हैं वो अब बचते हुए। इसी बीच सौभाग्यवती सोनम संतोष पाटिल मैडम का शुभागमन होता हुआ ग्राम पंचायत सदस्य सरवली मैडम आपका हार्दिक स्वागत है। तसेच या ठिकाणी कोमलताई चौधरी आणि अर्चनाताई चौधरी यांचं देखील आगमन झालेलं आहे, त्यांचं देखील आम्ही हार्दिक स्वागत करीत आहोत। मामा चषक 2023 मध्ये मान्यवरांची मांदी आली। स्वागत किया यहाँ पर गेंदबाज का किरण दलवी का, दो गेंदों में दो चौके लगा चुके हैं नितिन पाटिल। रिवर्स खेला, ओहो हो अद्भुत, ये अद्भुत कैच है, लाजवाब कैच, अनबिलीवेबल कुमार के ने। आइए देखते हैं किस तरह से ये कैच लिया गया है, अनबिलीवेबल, सही कहा आपने। देखिए स्विच हिट खेला था और हो जगलिंग, लेकिन बढ़िया कैच। हमारे बीच भिवंडी तालुका ग्रामीण राष्ट्रवादी के अध्यक्ष सन्माननीय गणेश गुलवी साहब का आगमन हो चुका है, हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। सुस्वागतम भिवंडी राष्ट्रवादी ग्रामीण तालुका अध्यक्ष सन्माननीय गणेश गुलवी साहब हमसे जुड़ चुके हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। दूसरा झटका लगा है नितिन के रूप में इस समय जय हनुमान सरवली को, कमाल का कैच देखने को मिला। अपनी दाहिनी तरफ दौड़ते हुए कुमार ने एक हाथ से वो कैच लपका, वन ऑफ द बेस्ट कैचेस ऑफ द टूर्नामेंट सो फार। नए बैट्समैन सागर भोईर, गेंद से तो काफी चले हैं सागर भोईर, लेकिन बल्ला उनका चलना बहुत जरूरी है इस समय सरवली के दृष्टिकोण से। और पहली गेंद पर स्विच हिट की कोशिश अपील हो रही है, गेंद पैर पर लगी, सवाल पूछा गया लेकिन नकार अंपायर ने, और डायरेक्ट हिट भी लगा है, बहुत कुछ घटा एक ही गेंद पर। ड्रामा चलता हुआ मैदान में, लेग बाय सागर भोईर के लिए इनाम है गुरनाथ शेलार साहब की ओर से, लगातार 3 छक्कों के लिए 500 रुपयों का कैश प्राइज दिया जाएगा। 2 रन मिले हैं लेग बाइज के जरिए, और इसके साथ ही दूसरे ओवर का खेल समाप्त होता हुआ, स्कोर 12 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। दो ओवर की समाप्ति, रन बने 12, रन टू बॉल इक्वेशन है, 5 ओवर का ये मुकाबला है। आप देख रहे हैं हिंदर मामा का वो शो जिसने सभी को दीवाना किया है। मामा चषक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वीआईपी डाइस आज मेहमानों से खचा खच भरा हुआ है, सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी अभी हमसे जुड़ गए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ग्रामीण भिवंडी के अध्यक्ष गणेश गुलवी साहब, आपका भी हार्दिक स्वागत। खेल की तरफ चलते हैं, 2 ओवर में 12, इसका मतलब है कि अभी तक का जो खेल हुआ है इसे कहते हैं कि घर में घेरना, घर में घेर लिया यहाँ पे सरोली टीम को फिलहाल हमने स्पोर्ट ने। हालांकि ऐसा पहले राउंड के मैच में भी हमने देखा था, शुरुआत में ये टीम बैकफुट पर रही थी लेकिन उसके बाद मुनीश पाटिल ने आकर पलटवार किया था, डेथ ओवर्स में बहुत अच्छे शॉट्स लगाए थे, एक अच्छी पारी खेली थी और फिर गेंदबाजों ने अपना काम बखूबी से निभाया था। समय का ख्याल रखना है प्लीज, टीम मीटिंग ज्यादा देर के लिए नहीं लेनी है, आमने स्पोर्ट्स सामने टीम के कैप्टन। देखिए परी 11 गोरसई बी के कैप्टन, साथ ही साथ खारडी स्पोर्ट गावदेवी खारडी स्पोर्ट्स के कैप्टन, आप दोनों को वीआईपी मंच के सामने आना है क्योंकि 5 ओवर की समाप्ति के बाद हम चिट्ठी उठाएंगे। पहली 2 चिट्ठियां जो उठेंगी उनके बीच मैच रहेगा और जो चिट्ठी बचेंगी उसको फाइनल में प्रवेश दिया जाएगा। बहरहाल चलते हैं इस खेल की तरफ, मामा चषक की अद्भुत दुनिया, दूधिया रोशनी पूरे मैदान पे फैली हुई, आज हल्की फुल्की हवाएं चल रही है और गेंदबाजी के लिए सागर फ्लोरे को कंटिन्यू रखा गया है। सागर फ्लोरे पहले ओवर में मैंडेटरी पावर प्ले में 1 रन 1 विकेट।
जय शेलार साहब की ओर से भी सागर के लिए इनाम है। सागर भोईर के लिए लगातार 3 छक्कों के लिए 1,000 रुपये का कैश प्राइज दिया जाएगा। देखना है कि सागर के सामने इस वक्त सागर तो नहीं है लेकिन बल्लेबाजी कर रहे हैं नितेश सागर फ्लोरे। लंबे रनअप से पैट्रिक पैटरसन की तरह भागते हैं। ओ बाउंसर थी, हुक भी किया, देखना है क्या कुछ हुआ है। शॉर्ट फाइन लेग पे उठाया, अंपायर का कोई इशारा नहीं, बल्ले से टकराने भर के बाद गेंद गई थी। अच्छा उछाल प्राप्त कर रहे हैं, अच्छा पेस प्राप्त कर रहे हैं पिच से सागर फ्लोरे। वैसे भी ये सरफेस तेज गेंदबाजों के लिए काफ़ी रास आया है। तीखी गेंद थी ये, थोड़ा अतिरिक्त उछाल जरूर था, जरूर थोड़ी पटकी हुई गेंद थी। और सागर की हाइट भी आप देखोगे ना तो डिसेंट हाइट है, बॉलिंग एक्शन भी काफ़ी अच्छा है, सीधा हाथ आता है उनका हयाम। सागर भोईर सागर फ्लोरे, सागर भोईर को मिस टाइम स्ट्रोक है और सॉफ्ट डिसमिसल कॉट एंड बोल्ड। और ये लगने वाला जे सरोली को तीसरा झटका। युवा नेता गिरीश पाटिल, युवा नेता प्रज्ञेश पाटिल यांनी भरलंय बोल बनार साऱ्या संघाना, यांनी भरलंय बोल बनार साऱ्या संघाना। युवा नेता विशाल भोळ, युवा नेता आतिश चौधरी अनहितश दादा। गरम पानी में टीम के कैप्टन मोनिश पाटिल आए जिन्हें सॉन्ग में बाजीगर कहा जाता है। हालांकि ग्रामीण क्रिकेट में उन्होंने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस इस फॉर्मेट में किया है। सिटी क्रिकेट में पिछले मैच में वह असफल रहे थे लेकिन ग्रामीण क्रिकेट का जहां तक ताल्लुक है बहुत बढ़िया बल्लेबाजी किए। द क्लास इज परमानेंट, द फॉर्म इज परमानेंट, दिस इज द परफेक्ट टाइम मोनिश पाटिल प्रूव हिमसेल्फ इज द बाजीगर क्रिकेटर ऑफ सरोली। वैसे देखा जाए तो गर्म पानी में खेलने की आदत है इस खिलाड़ी को। बड़ी 11 के कैप्टन आ चुके हैं, चिट्टियां उड़ाई कभी भी जा सकती है। गावदेवी खार्डी के कैप्टन, आपको तुरंत पहुंचना है टॉस बॉक्स में। खेल की शुरुआत होती हुई क्या कयामत खेज गेंदबाजी कर रहे हैं। इलाका तुम्हारा और फिलहाल धमाका हमारा। तेज तर्रार गेंद टैप करने की कोशिश, अधूरे मन से शॉट खेला, आधा अधूरा शॉट, आधा अधूरा प्यार और आधा अधूरा ज्ञान, तीनों नाकाम कर देता है। बिल्कुल सही कहा आपने, अधूरे मन से कुछ भी आप करोगे तो फिर सफलता मिलने वाली नहीं है। गेंद थोड़ी नीची रही थी लेकिन हल्की सी मूवमेंट भी, गेंदों को दोनों तरफ काटते हैं गेंदबाज सागर फ्लोरे, बढ़िया गेंदबाजी कर रहे। इस मरतबा आते ही उड़ाया है मोनिश पाटिल ब्लास्ट 6 रन। वाकई में बाजीगर, क्या शॉट खेला अजय, आपकी टिप्पणी। कमजोर गेंद थी ये लेकिन दबाव में इस तरह के शॉट्स खेलना उतना आसान नहीं होता है। बैट का स्विंग देखिए जरा, जो डाउन स्विंग है खासतौर पर जब नीचे उन्होंने बल्ला लाया, कितना तेजी के साथ वो बल्ला उन्होंने नीचे लाया है। पीछे पहले बल्ला जब उठाया देखिए हाई बैक लिफ्ट थी और सीधे बल्ले से सामने की तरफ प्रहार किया है गेंदबाज के सिर के ऊपर से, तगड़ा प्रहार, कड़क शॉट, 6 रन। स्टैंड एंड डिलीवर, हर एक से कहा हिलना नहीं और कोई अपनी जगह से हिला भी नहीं। सिक्सर से खाता खोला कप्तान मोनिश पाटिल ने, कुल स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19 रन। इस मरतबा टैप किया, गली में खिलाड़ी है डीपिश में, स्ट्रोक के साथ ही निकल पड़े 1 रन के लिए, दूसरे की दौड़ और यहां पे रन आउट। विकेट नंबर 4 गिरता हुआ सरोली का। विकेट नंबर 4 गिरता हुआ 20 के योग पर, नए बैट्समैन अब बल्लेबाजी के लिए मोनिश पाटिल का साथ निभाने के लिए निखिल आए हैं।
फ्लोरे हार्ट ऑफ भिवंडी इस वक्त जुड़ चुके हमसे दीपक मडवी, वेलकम। पहले मैच में उनको काफ़ी कमी लगी थी धनेश को उनकी, इस मरतबा स्विंग करना चाह रहे थे, गेंद पीछे सरक रही है, बाई के चार रन। केलाय आयोजन हेंदर मामानी करसन दादानी, केलाय आयोजन हेंदर मामानी करसन दादानी। किस्मत वाले रन्स मिले हैं, हालांकि गेंद भी उतनी सटीक तो नहीं थी, इसको कनेक्ट करते तो निश्चित रूप से 6 रन्स भी हासिल कर सकते थे। जिस तरह के बल्लेबाज है मोनिश पाटिल, देखिए अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास किया था, पूरी तरह से चूक गए और विकेट कीपर भी पीछे चूक गए। 22 के रूप में ये 4 रन आते हुए, रनों का आना जरूरी है इस समय सरवली के लिए। 3 ओवर की समाप्ति, स्कोर 24 रन, विकेट गिरे हैं 4। देखिए 3 ओवर की समाप्ति, स्कोर है 24 रन, विकेट 4 गिरे हैं। तीनों चिट्टी हम बना चुके हैं, खार्डी स्पोर्ट खार्डी, खार्डी स्पोर्ट खार्डी, गावदेवी खार्डी के कैप्टन या उनका कोई भी खिलाड़ी, आपको हमारे टॉस बॉक्स में आना है तुरंत ही, क्योंकि पहली दो चिट्टियां जो हम उड़ाएंगे उनका मैच होगा और बची हुई चिट्टी है वो फाइनल में जाएंगी। अब देखना है कि कौन सी चिट्टी बच जाती है, अगर इस मैच की बची तो ये मैच फिर बहुत कीमती हो जाएगा। बहरहाल गेंदबाजी में एक और परिवर्तन, भावेश जोशी को बुलाया गया है। सिद्दीक जी, आपण पाहुण्यांच्या सन्मानाकडे वळत आहोत, आपल्यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे एक जबरदस्त नेतृत्व सन्माननीय गणेश कुळवी साहेब उपस्थित आहेत। मी या स्पर्धेचे मुख्य आयोजक हेंदर मामांना विनंती करेन आपल्या शुभास्ते आपण पाहुण्यांना सन्मानित करायचं आहे। भिवंडी ग्रामीणचे राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे अध्यक्ष सन्माननीय गणेश कुळवी साहेब आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत। गुळवी साहेबांना विनंती असेल, आपल्या सन्मानाचा आपण स्वीकार करायचा आहे। गणेश भोईर यांच्याकडून सलग 3 षटकारांसाठी 500 रुपयांचं रोख पारितोषिक, परंतु त्रिपा उद्वस्त, खोलवर टप्प्याचा बॉल अगदी एष्ट्यांचा वेद घेतला गेलाय आणि फलंदाज बाद। पाहू शकाल तुम्ही व्यासपीठावर आदरणीय गणेश गुळवी साहेबांना आपण सन्मानित करीत आहोत। भिवंडी ग्रामीणचे राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे अध्यक्ष, एक मोठी उपस्थिती या स्पर्धेसाठी, आपला अमूल्य वेळ ते या स्पर्धेसाठी देत आहेत आणि मामांचं त्यांच्यावर असलेलं प्रेम, त्यांचं मामांवर असलेलं प्रेम आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळत आहे। तर मामांच्या विनंतीला मान देऊन ते या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहेत। एक भव्य सन्मान त्यांचा या व्यासपीठावर, मॅच उपदर्शाल पुष्पगुच्छ आणि सन्मान चिन्ह देऊन आपण करीत आहोत। थँक्यू सो मच साहेब आपण या ठिकाणी आलात। यानंतर सन्माननीय निलेश मांझे साहेब, प्रसिद्ध उद्योगपती आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत, त्यांना देखील आम्ही या स्पर्धेच्या माध्यमातून सन्मानित करीत आहोत, त्याचा त्यांनी स्वीकार करावा अशी मी त्यांना विनंती करतो। हमारे बीच अल्पेश पाटिल दापोडे हैं, एवन पवन के सबसे बड़े फैन, उनका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। खेल की शुरुआत होती भी लंबे रनअप से मुड़ते हुए, इस मरतबा इनफील्ड के ऊपर से खेला है, टिपिकल पावर प्ले, स्ट्रोक गैप में गेंद ट्रैवल होती भी, हालांकि पावर प्ले नहीं चल रहा है, मिड ऑफ ऊपर खड़ा था, गेंद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर 4 रन। आदरणीय निलेश मांझे साहेबांना आपण सन्मानित करतोय, त्यांचे देखील आम्ही आभारी आहोत की त्यांनी आपला अमूल्य वेळ या स्पर्धेसाठी दिलाय। अतिशय सुंदर फटका होता, मिड ऑफ सर्कलच्या आतमध्ये होता, त्याचा येथे फायदा घेतलाय, जास्त शक्तीचा वापर केला नव्हता फलंदाजाने, फक्त चिप केलं होतं चेंडूला इनफील्डच्या वरून, लाजवाब फटका, अचूक टायमिंग पाहायला मिळालं आणि चौकार। खराब गेंद मैं कहूंगा, जब आपने मिड ऑफ को ऊपर रखा है, गेंद सामने रख रहे बैट्समैन के, ये तो ऐसे है जैसे आप शेर को मांस दे रहे हो, होना ये चाहिए शेर को घास दो, घोड़े को मांस दो, दोनों मर जाए। इस मरतबा एज लगा है, खेलना चाहते थे ऑन साइड में, गेंद चली गई डिपिश गली में, वाइडिश में 1 रन, स्कोर आगे सरकता हुआ जे एस सरोली का 29 रन 5 विकेट। सध्या चौथं षटक प्रगतीपथावर आहे, पहिल्या षटकामध्ये फक्त 1 धाव आली होती, त्यानंतर जरूर धावांचा वेग थोडा वाढवलाय फलंदाजांनी, दुसऱ्या ओव्हरमध्ये 11 धावा आल्या, तिसऱ्या ओव्हरमध्ये 12 धावा आणि या षटकामध्ये आत्तापर्यंत 1 चौकार तर आपण पाहिलाय, परंतु एक गडी देखील बाद केलाय गोलंदाजानं। स्ट्राईक मोनिश पाटीलकडे,
डेथ ओवरचा स्पेशलिस्ट फलंदाज आहे, मोठमोठे फटके सातत्याने खेळण्याची क्षमता असलेला हा फलंदाज आपण बघतोय. आतापर्यंत 5 धावा खर्च केल्यात या गोलंदाजाने. आपण बघतोय भावेश जोशीला मोठा फटका, चेंडू उंच हवेत आहे, डीप मिड विकेटला फिल्डर जज करतोय आणि जबरदस्त कॅच, दॅट्स अ ब्रिलियंट कॅच. थँक्यू डीजे. या ठिकाणी सन्माननीय जय पाटील साहेब माजी सरपंच वडघर यांचं देखील शुभ आगमन झालेलं आहे. मी त्यांना विनंती करतोय आपण व्यासपीठावर येऊन विराजमान व्हायचं आहे. जय पाटील साहेब, आपलं हृदयाच्या अंतकरणातून आम्ही करीत आहोत स्वागत. मामा चषक 2023 मध्ये मामा ग्रुपच्या माध्यमातून आदरणीय हेंदर मामा पाटील साहेबांच्या माध्यमातून जय पाटील साहेब आपलं सहर्ष स्वागत. यस, पड़ी 11 गोरसई बी के कैप्टन आ चुके, गावदेवी खारडी के कैप्टन. बार बार आपके नाम का अनाउंसमेंट हो रहा है. अगर आप नहीं पहुंचे टॉस बॉक्स तक, आ चुके विकेट नंबर 6 गिरता हुआ और आउट होके चले गए मोनिश पाटिल. बड़ी विकेट, बढ़िया जज किया था मिड विकेट के खिलाड़ी ने. मोनिशला देखील मोठी खेळी करता आली नाही, फक्त 7 धावांचं योगदान दिलं, एक षटकार जरूर ठोकला होता आणि हा बॉल देखील असं वाटलं होतं सुरुवातीला की कदाचित षटकार जाईल, परंतु काय जबरदस्त झेल, काय जजमेंट होतं आणि प्रसंगावधान राखलंय, सीमारेषा पाठीमागे किती दूरवर आहे याचं भान होतं त्या फिल्डरला. भावेश जोशीने अब तक 2 विकेट लिए. कॅमेरामॅन आपको थोडा टॉस बॉक्स की तरफ चलना है. इस VIP पे हम VIP पे तीनों चिट्ठी ली जाना है, दोनों कैप्टन को वहाँ जाना है और हमारे साथ बैठे हुए दोनों बारहवें प्लेयर को वहाँ जाना है VIP पे, क्योंकि खेल रुका हुआ है. जो पहले 2 चिट्ठी निकलेंगी, ध्यान से सुनिए, आपको ऊपर जाना है खारडी. पहले 2 चिट्ठी जो निकलेंगे उनका मैच होगा, बची हुई चिट्ठी डायरेक्ट फाइनल में प्रवेश. पहले जो 2 चिट्ठी निकलेंगे उनका मैच होगा. दोनों बारहवें खिलाड़ी, आपको भी जाना है, आपकी टीमें खेल रही है. आप पहली एक चिट्ठी उठाएगा कोई, फिर दूसरी, उनका मैच होगा. और जरा दिल थाम के बैठो. पहली चिट्ठी ये मैच वाली चिट्ठी है, ये खुशी वाली चिट्ठी नहीं है. और उठा रहे हैं, बघा पहिल्या 2 चिट्ट्या ज्या काढल्या जातील त्यांच्यामध्ये मॅच असेल. दर्शन हे बताइए कौन कौन सी चिट्ठी है. मामा बाय कोणाला भेटला. गावदेवी स्पोर्ट्स खारडी, कॉन्ग्रॅच्युलेशन्स खारडी संघ फायनल मध्ये. और इस मॅच की विजेता टीम और पड़ी 11 गोरसई बी के बीच में अगला मुकाबला जो सेमीफाइनल है. आपण वळूयात पाहुण्यांच्या सन्मानाकडे. सौभाग्यवती मंगताई मंदताई पाटील आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत, माजी सरपंच वडघर, त्यांचा सन्मान या ठिकाणी केला जाईल. ग्रुप ग्रामपंचायत सरवलीच्या विद्यमान सदस्या सन्माननीय सोनमताई पाटील यांना मी विनंती करेन आपल्या शुभ हस्ते आपण मंदताई पाटील यांना सन्मानित करायचं आहे. सोनमताई आपल्याला विनंती असेल आपल्या शुभ हस्ते आपण मंदताईंना सन्मानित करायचं आहे. पाहू शकाल तुम्ही आमच्या माता भगिनी या ठिकाणी उपस्थित झालेल्या आहेत. मंदताई पाटील माजी सरपंच वडघर यांचा शुभ सन्मान या व्यासपीठावर केला जात आहे. आकर्षक भेट त्यांना दिली जात आहे खऱ्या अर्थानं.
पुष्पगुच्छ आणि सन्मान चिन्ह देखील आपण त्यांना देतोय. त्यानंतर पुढचा सन्मान असेल आरतीताईंचा. मालजीपाडा होऊन या ठिकाणी त्या उपस्थित झालेले आहेत आरतीताई अविनाश पाटील यांचा सन्मान सोनमताईंच्या शुभास्ते. मामा चषक 2023 मध्ये थँक्यू सो मच ताई, आपण या ठिकाणी उपस्थित झालात आणि या स्पर्धेची या मंचाची शोभा आपण वाढवत आहात. खेळ रोकावर सत्कार सन्मान चलता हवा. आपल्यामध्ये सौ पूजाताई पाटील मॅडम देखील उपस्थित आहेत, भादवडहून या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहेत. त्यांचा देखील सन्मान या ठिकाणी आपण करीत आहोत. मी विनंती करतोय त्यांना आपण सन्मानाचा स्वीकार करायचा आहे. आणि आज पूजाताईंचा वाढदिवस देखील आहे. पूजाताई आपल्याला वाढदिवसाच्या लक्ष लक्ष शुभेच्छा आम्ही देतोय मामांच्या माध्यमातून, मामा ग्रुपच्या माध्यमातून आणि येथे उपस्थित सर्व क्रिकेट रसिक, सर्व पाहुण्यांच्या माध्यमातून, सर्व खेळाडूंच्या माध्यमातून आपल्याला वाढदिवसाच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. आणि विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्य सोनमताईंचा उद्या वाढदिवस आहे ही माहिती देखील आम्हाला मिळालेली आहे, तर त्यांना देखील वाढदिवसाच्या ॲडव्हान्समध्ये आम्ही हार्दिक शुभेच्छा देतोय. यस, इस वक्त बंटी शिल्के ने भी हिंदर मामा और मामा चषक के लिए शुभकामनाएं दिए. स्वागत है बंटी आपका. रेखाताई हनुमान कराळी मॅडम देखील उपस्थित आहेत, त्यांचा देखील आपण करूयात सन्मान. रेखाताईंना विनंती असेल आपल्या सन्मानाचा आपण स्वीकार करायचा आहे. खूप चांगली संकल्पना आपण बघतोय या स्पर्धेच्या माध्यमातून. एकतर स्पर्धा 3 फॉर्मॅट्समध्ये खेळली जात आहे आणि येथे आलेल्या प्रत्येक पाहुण्याला आपण सन्मानित करतोय. रेखाताईंचा हा शुभ सन्मान सोनमताईंच्या शुभास्ते. अगली गेंद, कदमों का इस्तेमाल, निकल के मारा, मिस टाइम स्ट्रोक है और छूट गया कैच. कॉलिंग नहीं थी वहां पर. 2 रन बना लिए अविनाश चौधरी ने. इन 2 रन से जे एस सरोली का स्कोर पहुंचा है 31 रन. विकेट गिरी है. चेक. आणखी काही सन्मान आहेत आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत. कोमलताई विकास चौधरी मॅडम त्यांचा देखील सन्मान आपण करूयात. मी मंदाताईंना विनंती करेन आपल्या शुभास्ते आपण कोमलताईंना सन्मानित करायचं आहे. भावी जोशी. ओ बढ़िया गेंद, अपील और आउट कॉट बिहाइंड विकेट नंबर 7. धन्यवाद दीजिए. या ठिकाणी अर्चनाताई विकास चौधरी मॅडम देखील, योगेश चौधरी मॅडम देखील उपस्थित आहेत, तर अर्चनाताईंचा देखील आपण करूयात सन्मान. मंदाताईंना पुन्हा एकदा विनंती असेल आपल्या शुभास्ते आपण अर्चनाताईंना सन्मानित करायचं आहे. अर्चनाताईस योगेश चौधरी. भावेश जोशी ने 1 ओवर किया, 7 रन दिए, 3 विकेटें ली, 31 रन 7 विकेटों के नुकसान पर. और वाकई में अभी तक बल्लेबाजी को घर में घेरा है आमने ने. या ठिकाणी आणखी एक मोठी उपस्थिती आपल्यासाठी मामांचे अतिशय जवळचे मित्र सन्माननीय सचिन राठोड साहेब जे मुलुंडहून उपस्थित झालेले आहेत, त्यांचं आम्ही करतोय हार्दिक हार्दिक स्वागत. आणि त्यांचा देखील शुभ सन्मान आपण या व्यासपीठावर करूयात. मामांनाच विनंती असेल आपल्या शुभास्ते आपण आपल्या मित्राला सन्मानित करायचं आहे. गावदेवी खार्डी ग्रामीण फॉर्मेट से फायनल में पहुंची है. इसके बाद इस मैच की विजेता टीम और परी 11 गुरसई बी के बीच में मैच होगा. पाहू शकाल तुम्ही आदरणीय सचिन राठोड साहेबांना जे मुलुंडहून या ठिकाणी आलेले आहेत, फार दूरवरचा प्रवास करून मामांच्या प्रेमापोटी या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहेत. आणि ये दोस्ती हम नाही तोडेंगे हे मित्रप्रेम तुम्हाला पाहायला मिळत आहे. हेंदर मामांच्या शुभास्ते आपण सचिनजी राठोड साहेबांना सन्मानित करीत आहोत या मंचावर. सागर पाटीलने व्हाईट से शुरुआत की, स्कोर 32 पे. देखिए नॉन स्ट्राईक पर हर्षद चौधरी आहे.
आपकी मालूमात के लिए कि पिछले साल जो सुपर ट्रॉफी हुई थी कुरुंद की, उसमें धानियों के सामने 4 सिक्सर लगाए थे और गोल्डन 6 लगाकर टीम को फाइनल में पहुंचाया था। इस मरतबा खींच के मारा है, पीछे खिलाड़ी है, ओ एक और कैच छूटा है। देखिए हमने वालों ने अब तक 3 कैच छोड़े हैं, लेकिन पकड़ने होंगे, जीतने होंगे मैच तो पकड़ने होंगे कैच। अब हर्षद चौधरी इस तरह की स्थिति के बहुत बड़े बैट्समैन हैं और कई मर्तबा अपनी टीम को 1-2 सिक्सर लगा के मैच में वापस खींचा है। क्या आज खींचेंगे हर्षद चौधरी? कुल स्कोर है सरोली का 33 रन, विकेट गिरी है 7। मामा चषक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चेक वैसे पिटावर आदरणीय श्रीकांत तरे साहेब देखील उपस्थित आहेत, त्यांना देखील आपण करूयात या स्पर्धेच्या माध्यमातून सन्मानित। मामांना विनंती असेल आपल्या शुभ हस्ते आपण तरे साहेबांना सन्मानित करायचं आहे। अतिथी देवो भव ही आपली भारतीय संस्कृती आहे। याच दरम्यान वाईटचा इशारा पंचांनी केलाय, 34 पे पोहोचाय स्कोर। सागर पाटील, हर्षद को रुक के गेंद आई थी, बल्ला पहले घुमा, गेंद बाद में निकल गई, डॉट गेंद। हर्षद चौधरी बल्लेबाजी कर रहे हैं, गेंदबाजी कर रहे हैं सागर पाटिल। सागर पाटिल राइट आर्म राउंड राउंड इस्ट आर्म, हर्षद को बैकफुट पे गए, फोर्स किया, गेंद जा रही है मिड विकेट पर, 6 रन। कहा था ना मैंने कि इस तरह की स्थिति के ये बहुत ही खतरनाक बैट्समैन है। खींच के मारा, पुल पावरफुल, वंडरफुल, डिलाइटफुल, 6 रन। व्यासपीठावर पुन्हा एकदा पाहुण्यांच्या सन्मानाकडे आपण वळतोय। आदरणीय पद्मन चौधरी साहेब, सरवली गावचे समाजसेवक आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत, त्यांचा शुभ सन्मान आपण या ठिकाणी करणार आहोत। मी मामांना विनंती करेन आपल्या शुभ हस्ते आपण पद्मन चौधरी साहेबांना सन्मानित करायचं आहे। आणखी काही पाहुण्यांचं शुभ आगमन होत आहे। शिवसेना उपशाखा प्रमुख सरवलीपाडा सन्माननीय उमेश भोईर साहेबांचं शुभ आगमन या मंचावर होत आहे, त्यांचं हार्दिक स्वागत। पद्मनजी चौधरी यांना आपण करतोय सन्मानित। 40 रन में हर्षद में ये काबिलियत है कि 1-2 बड़े शॉट खेल सकते हैं। अगर उन्होंने 1 सिक्सर और लगाया तो फिर सरोली के पास गेंदबाजी का यूनिट है, लेकिन हमारे डैशिंग डायनामिक हैंडसम यंग मैन सनी भुईर कहते हैं कि वो 2 लगा सकते हैं और 2,000 रुपये भी उनको दिए जाएंगे सनी की तरफ से। 3 गेंदों में अगर 3 सिक्सर, यस 2 मारे तो 3, क्या बात है। हालांकि पड़गा टोल नाका पे जो पिछले साल टूर्नामेंट हुआ था सुपर ट्रॉफी, मैं और अजय गरत वहाँ थे, इन्होंने गोल्डन 6 भी लगाया था और कुल 4 सिक्सर धानियों के सामने जड़े थे। 26 दावा चेस खेले होते हैं, सेमीफाइनल ची थी मैच होती। इस मरतबा कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, फिर गेंद रुक कर आई, 1 रन बना, 1 रन से 41 रन। कितनी गेंदें बची है? 2 गेंदों में सरोली के दर्शक चाहेंगे एक बड़ा धमाका हो जाए, लेकिन हमने के दर्शक चाहेंगे कि एक विकेट हो जाए। देखते हैं क्या होता है। स्विंग एंड मिस, आगे रखा था, पैर नहीं चले थे, जगह से ही खेले थे बैट्समैन करण। हर्षद चौधरी उनके पास गए, 1-1 रन इस मैच का सोने के टुकड़े के बराबर है, और सोने को आप लॉकर में रखो या कीचड़ में, कीमत कम नहीं होती है। सागर आखिरी गेंद के साथ स्लॉग कर दिया है, घुटना टेक के खेला हुआ स्ट्रोक, कारपेट के सारे गेंद डीप में पहुंची है, 2 रन पूरे किए, तीसरे की कॉल है, तीसरे के लिए निकल पड़े, 3 रन पूरे, लाठी चार्ज क्रिकेट चलता हुआ। 3 रन से कुल स्कोर पहुंचा है यहां पर 44-45 की चुनौती रखी है। चलते हैं पहले अजय गरत के पास। सद्या व्हर्च्युअल क्वार्टर फाइनल मैच अपन बघतोय, जिंकणारा संघ सेमीफाइनल मध्ये दाखल होणार आहे।
परी 11 गोरसई बी संघा विरुद्ध ती मैच त्यांना खेळावी लागेल। शेवटच्या बॉलवर नाट्यमय क्रिकेट पाहायला मिळालं, जेथे दुसरी धाव होणं कठीण होतं तेथे तिसरी धाव देखील पळून पूर्ण केली फलंदाजांनी। 45 धावांचं टार्गेट आहे हा सामना जिंकण्याकरिता आमणे स्पोर्ट्स आमणे संघासमोर। आपण पुन्हा एकदा व्यासपीठावर पाहुण्यांच्या सन्मानाकडे वळूयात। या ठिकाणी आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत आदरणीय श्रावण पाटील साहेब, संत ज्ञानेश्वर माऊली पतसंस्थेचे व्यवस्थापक आहेत। मी भगवान माणिक पाटील साहेबांना विनंती करेन, आपण आदरणीय श्रावण पाटील साहेबांना सन्मानित करायचं आहे। ज्यांना ज्यांना निमंत्रण मामांनी दिलेलं आहे ते सर्वच पाहुणे या ठिकाणी आपल्याला या स्पर्धेला सदिच्छा भेट देण्यासाठी येताना दिसत आहेत। थँक्यू सो मच श्रावणजी पाटील, आपण देखील या ठिकाणी आलात आणि खऱ्या अर्थानं आमचा आनंद द्विगुणित केलात। त्यानंतर आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत ज्यांच्या माध्यमातून मालिकावीराच्या ट्रॉफीज या स्पर्धेमध्ये पुरस्कृत करण्यात आलेल्या आहेत, आदरणीय गुरुनाथ शंकर शेलार साहेब, सरवलीचे समाजसेवक, फार मोलाचं योगदान त्यांचं या स्पर्धेसाठी, फार मोलाचं सहकार्य या स्पर्धेसाठी त्यांचं मिळालेलं आहे, त्याबद्दल त्यांचे शतशः आभार आम्ही व्यक्त करीत आहोत आणि त्यांचा देखील शुभ सन्मान आपण या व्यासपीठावर करूयात। या स्पर्धेचे शिल्पकार आदरणीय हेंदर मामांना विनंती असेल, आपल्या शुभ असते आपण गुरुनाथजी शेलार साहेबांना सन्मानित करायचं आहे। प्लेअर ऑफ द टुर्नामेंटच्या ज्या ट्रॉफीज आहेत या स्पर्धेमध्ये त्यांच्या माध्यमातून देण्यात आलेल्या आहेत, असं हे दानशूर व्यक्तिमत्व आपल्या समोर तुम्ही पाहू शकाल स्क्रीनवर। गुरुनाथजी शेलार साहेब सरवली गावचे समाजसेवक, त्यांचा सन्मान या व्यासपीठावर आपण करीत आहोत। खूप चांगलं योगदान या स्पर्धेसाठी, मॅन ऑफ द सिरीजच्या ट्रॉफीज त्यांनी दिलेल्या आहेत, पुरस्कृत केलेल्या आहेत। थँक्यू सो मच। हमने आपको ओपनर भेजना है, 45 का लक्ष्य आमने के सामने। आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत आदरणीय हनुमान कराळे साहेब, कोणगावचे समाजसेवक, मामांचे मोठे बंधू। सन्माननीय भगवान पाटील साहेबांना विनंती असेल, आपल्या शुभ असते आपण हनुमान कराळे साहेबांना सन्मानित करायचं आहे। आज अक्षरशः हे जे व्यासपीठ आहे आपण बघतोय मामा चषकामध्ये, पाहुण्यांनी फुलून आणि बहरून गेलेलं आहे, मान्यवरांची मांदी आली आणि आलेल्या प्रत्येक पाहुण्याचा यथोचित सन्मान मामा चषकाच्या दरम्यान आपल्याला पाहायला मिळत आहेत। हनुमानजी कराळे साहेब आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत, त्यांचा सन्मान या व्यासपीठावर होत असताना। तसेच या ठिकाणी सन्माननीय रविकांत पाटील साहेब देखील उपस्थित आहेत, वडघरहून या ठिकाणी ते आलेले आहेत, मामांचे जावई आहेत, त्यांचा देखील सन्मान आपण व्यासपीठावर करूयात। मामांचे भाऊजी आहेत क्षमस्व, रविकांतजी पाटील आपल्याला विनंती असेल आपण आपल्या सन्मानाचा स्वीकार करायचा आहे। मी भगवान पाटील साहेबांना विनंती करेन, आपल्या शुभ असते आपण पाहुण्यांना सन्मानित करायचं आहे। दोन ओपनर बीच मैदान पे ऑलराउंडर सागर फ्लोरे और प्रशांत चोरगे। गेंदबाजी के लिए सभी को पता है कि किसको मोर्चे पर लगाया गया है। इस स्पर्धा में सिटी क्रिकेट से जिन्होंने हैट्रिक किया, टेनिस क्रिकेट का मात्र एक गेंदबाज जिसने LBW का हैट्रिक किया है। आपल्यामध्ये सरवलीचे ग्रामस्थ समाजसेवक सन्माननीय सुरेश भोईर साहेब देखील उपस्थित आहेत आणि त्यांचा देखील सन्मान करणं हे आमचं कर्तव्य आहे। मी भगवान पाटील साहेबांना विनंती करेन, आपल्या शुभ असते आपण सुरेश भोईर साहेबांना देखील सन्मानित करायचं आहे।
प्रशांत सोरगे सामना करें सागर वीर का। फील्ड की जमावट शॉर्ट थर्मेन शॉर्ट फाइन लेग डिपिच गली कवर एक्स्ट्रा कवर मिड ऑफ 30 गज के दायरे में स्क्वायर लेग अंपायर की बगल में बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर एक खिलाड़ी है, दो खिलाड़ी सर्कल के बाहर है, एक ऑर्थोडॉक मिड विकेट है और एक खिलाड़ी स्ट्रेटिश लॉन्ग ऑन पे है मोनिस पाटिल। आणि सागर भोईरसाठी विशेष पारितोषिक आहे, एका ओव्हरमध्ये जर तीन गडी त्याने बाद केले तर गुरुनाथ शेलार साहेबांकडून 500 रुपयांचं रोख पारितोषिक देण्यात येईल। सागर भोईर प्रशांत चोरगे के लिए आपल्यामध्ये उपस्थित होत आहेत ज्येष्ठ शिवसैनिक आदरणीय दत्तात्रेय पाटील सर, आपला हार्दिक स्वागत आम्ही करीत आहोत मामा चषक 2023 मध्ये। पहिली गेंद स्विच हिट की कोशिश, सागर भुईर के सामने इतनी हिम्मत दिखाना बहुत कम बल्लेबाज कर सकते हैं। पूरी तरह छटाया गेंद और नॉन स्ट्राइक से तुरंत ही ऑलराउंडर सागर फुलोरे ने जाकर कहा क्या कर रहे हैं आप। सागर भुईर इस मरतबा इम्प्रोवाइज तरीके से खेलने की कोशिश, फिर डॉट गेंद, हर डॉट गेंद पे शोर उभरता हुआ क्योंकि सरोली अपने घरेलू मैदान पे खेल रही है। देखिए घरेलू मैदान का बेनिफिट भी रहता है और दबाव भी रहता है क्योंकि जो सपोर्टर्स हैं उनको काफ़ी उम्मीदें अपेक्षा रहती है और वो एक दबाव भी रहता है खिलाड़ियों पर। सागर भोईर राइट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए तेज तरार गेंद ढूंढते रह जाओगे। सिटी क्रिकेट में सागर भुईर ने शॉर्ट ऑफ लेन गेंदे की थी, उसका अजय भुईर ने फायदा उठाया था, लेकिन ग्रामीण फॉर्मेट से गजब की गेंदबाजी, हालांकि सिटी फॉर्मेट से भी उन्होंने 8 विकेट लिए सिर्फ पिछला मैच, सेमीफाइनल में उनकी गेंदबाजी अच्छी नहीं रही थी। बाकी सिटी या ग्रामीण दोनों फॉर्मेट में छाए हुए हैं। सागर भुईर पावर प्ले में पावरफुल गेंदबाजी करते हुए इस मरतबा अपील वहां पर रन दौड़ते हुए लेग बाय गिरते पड़ते जान बचा के नॉन स्ट्राइक पे पहुंचे प्रशांत सोरगे, एक रन लेग बाय से खाता खुला आमने का, आमने के सामने 45 रन है। सागर भुईर राइट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए सागर फुलोरे को लंबा हिट लेने की कोशिश, बल्ले के अंदर लगी एक रन। क्या बॉलिंग कर रहे हैं सागर भुईर, अब तक केवल एक रन बल्ले से, एक लेग बाई, दो रन बिना किसी विकेट के, टू विदाउट लॉस। प्रशांत चोरगे सामना कर रहे हैं सागर भुईर का, आप देख रहे हैं मामा चषक क्रेजी किया रे, मौसम है मस्ताना, हर कोई है हिंदर मामा और मामा चषक का दीवाना। मामा ग्रुप की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत। स्वीप लगाने की कोशिश, तमाम तरकीबें नाकाम, घी ना सीधी उंगली से निकला और टेरी की तो फिसल गया। एक ओवर की समाप्ति, क्या ओवर खत्म किया है वहां पर सागर भुईर ने, केवल दो रन बिना किसी विकेट के, बचे हुए चार ओवर में 43 चाहिए। याच दरम्यान शुभ आगमन होत आहे या जय हनुमान क्रीडानगरी सरवलीमध्ये आदरणीय किसन काशीनाथ पाटील साहेबांचं, माणकोली गावचे प्रसिद्ध उद्योगपती साहेब, आपलं आम्ही हृदयाच्या अंतःकरणातून स्वागत करीत आहोत मामा चषक 2023 मध्ये आदरणीय हेंदर मामा पाटील आणि मामा ग्रुपच्या वतीनं। वेलकम सर। बघा गेटसमोर जे काही प्रेक्षक उभे आहेत त्यांना विनंती असेल आपण तिथून बाजूला व्हायचं आहे, गेट के सामने किसी को भी खडा नाही रहना है, जो दर्शक गेट के सामने खड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है आपको स्टैंड्स में जाकर खेल का लुत्फ उठाना है। गेंदबाजी के लिए अविनाश चौधरी को बुलाया गया है,
एडवोकेट अविनाश चौधरी, देखना है कि क्या गेंदबाजी में चाल चलेंगे। पहली गेंद बहुत ही खूबसूरती के साथ खेल दिया है, पीछे खिलाड़ी हैं, दूसरे की कॉल, दो रन पूरे। लेफ्ट स्वीप किया था वहां पर, कलाइयों का कलात्मक उपयोग। दो रन से सागर फ्लोरे ने तीन पे पहुंचे, कुल स्कोर चार रन बिना कोई विकेट के। ऐसा नहीं कि डॉट गेंदे जरूर दबाव बढ़ाएंगे, लेकिन यहां पर विकेटें भी लेना होंगी। इस मरतबा ऑन द राइज खेला है, गजब का शॉट, लेकिन पीछे खिलाड़ी है। ओ माय गॉड, गेंद छिटक गई हाथ से, चार रन। सरवली संघाच्या गोलंदाजांसाठी सुवर्ण संधी आहे। हॅट्रिक साठी सन्माननीय दीपक भोईर साहेब विद्यमान पोलीस पाटील सरवली पाडा यांच्या माध्यमातून 1500 रुपयांचं रोख पारितोषिक देण्यात येईल। 8 रन सागर फ्लोरे जब तक रहेंगे आमने का सामना चलता रहेगा। बॉलिंग भी बहुत लाजवाब की थी सागर फ्लोरे ने। आणि याच दरम्यान शुभ आगमन होत आहे जय हनुमान क्रीडा नगरी सरवली मध्ये। या स्पर्धेचे शिल्पकार हेंदर मामा पाटील यांच्या सौभाग्यवती चित्रताई हेंदर पाटील मॅडमचं आपलं हार्दिक स्वागत, तसेच त्यांच्यासोबत असलेल्या त्यांच्या सर्व मैत्रिणींचं देखील मनपूर्वक स्वागत। सौभाग्यवती निराताई भगवान पाटील मॅडम देखील आपल्याला या ठिकाणी येताना पाहायला मिळत आहेत। माजी सरपंच ग्रुप ग्रामपंचायत सरवली आणि त्यांच्यासोबत असलेल्या सर्व माता भगिनींचं देखील आम्ही हार्दिक स्वागत करीत आहोत मामा चषक 2023 मध्ये। पाहू शकाल तुम्ही या स्पर्धेचे शिल्पकार आदरणीय हेंदर मामा पाटील यांच्या सौभाग्यवती चित्राताई हेंदर पाटील मॅडम, तसेच सौभाग्यवती निराताई भगवान पाटील मॅडम आणि त्यांच्या सर्व मैत्रिणींचं या ठिकाणी शुभ आगमन झालेलं आहे। आपलं हार्दिक स्वागत। सन्माननीय अंजनाताई अरविंद चौधरी मॅडम यांचं देखील शुभ आगमन या क्रीडानगरीमध्ये झालं आहे, त्यांचं देखील हार्दिक स्वागत आम्ही करीत आहोत। ये देखिए, अजीबो गरीब शॉट, अजीबो गरीब रन और अजीबो गरीब फील्डिंग। एक रन आता हुआ स्कोर में, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 रन। बहुत कुछ घट रहा है इस मैच में। ये मैच भी लग रहा है बहुत ही कट टू कट जाएगा। अविनाश चौधरी, आंखें अट गई थी, ब्लाइंड स्विंग, गेंद को जब तक शॉर्ट पॉइंट पे उठाते फील्डर, एक रन बना। एक रन से 10 पे पहुंचा स्कोर बिना किसी विकेट के आमने का। आमने के सामने 45 का लक्ष्य है। 5 ओवर में दूसरा ओवर चल रहा है, अभी तक 8 रन दिए। या ठिकाणी अशुभ आगमन झालेलं आहे मामांच्या सुकन्या नाजुकाताई राजन पाटील मॅडम यांचं देखील आपलं हार्दिक स्वागत आहे। माथाडीहून या ठिकाणी ते आलेले आहेत। काल राजन पाटील साहेब देखील या ठिकाणी उपस्थित होते आणि आज आपण नाजुकाताईंना या ठिकाणी या व्यासपीठावर पाहत आहोत, त्यांचं पुन्हा एकदा हार्दिक स्वागत। क्या चल रहा है, मिड विकेट से थ्रो आया, गेंदबाज ने मिड विकेट के खिलाड़ी पर अपना गुस्सा उतारा। विकेट कीपर पॉइंट के खिलाड़ी को कसूरवार कह रहे थे, लेकिन बल्लेबाजों ने 2 रन भाग लिए। इसे कहते हैं कि दूसरे के झगड़े में अपना फायदा। 2 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 12 रन। इस ओवर में काफी खर्चीले साबित हो रहे हैं अविनाश चौधरी, अब तक 10 रन दे चुके हैं।
पाहू शकाल हे मान्यवर कक्ष सर्व महिला मंडळाचं देखील आम्ही हार्दिक स्वागत करीत आहोत सर्वच पाहुण्यांचं पुन्हा एकदा मनपूर्वक स्वागत मामा चषक 2023 मध्ये अविनाश चौधरी इस मरतबा मोड़ दिया ऑन साइड में एक रन बना गेंद पे झपट रहे मोनिस फिर फंबल किया फिर दो रन बने दो ओवर की समाप्ति रन बने 14 और कोई विकेट इस वक्त नहीं गिरा है। इस वक्त ऑनलाइन हमसे जुड़ चुके हैं कमेंटेटर तेजस धोबी वाड़ा की आवाज जिन्होंने बीपीएल में रंग भरा था स्वागत है आपका। आज सामने घेऊन मामा ग्रुप दर्शक नावानी थँक्यू ओडीजे आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत वडगरचे माजी सरपंच जय पाटील साहेब त्यांना आपण करूयात सन्मानित या स्पर्धेच्या माध्यमातून। छोटासा ब्रेक आहे सध्या मॅचमध्ये पाहुण्यांचा शुभ सन्मान या व्यासपीठावर सातत्याने आपल्याला पाहायला मिळत आहे। क्रिकेटचे निस्सीम चाहते आहेत जयदादा पाटील वडघरहून देखील बरेचसे पाहुणे या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहेत त्यामध्ये आपण बघतोय वडघरचे माजी सरपंच जयदादा पाटील यांना त्यांचा शुभ सन्मान मामांच्या शुभास्ते आपण करीत आहोत। तसेच रोशन पाटील साहेब देखील आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत त्यांचा देखील सन्मान या स्पर्धेच्या माध्यमातून आम्ही करीत आहोत त्याचा त्यांनी स्वीकार करावा अशी मी त्यांना विनंती करतो। रोशनजी पाटील आपण देखील आपल्या सन्मानाचा स्वीकार करायचा आहे। मरता क्या ना करता सागर वीर को कंटिन्यू रखा है क्योंकि जे एस सरोली को पता है कि मैच यहां से खसक सकता है। दो ओवर में 14 है बचे हुए 3 ओवर में तसेच आपल्या मध्ये उपस्थित आहे आदरणीय किशोर पाटील साहेब वडगरचे समाजसेवक त्यांना देखील आपण करूयात या स्पर्धेच्या माध्यमातून सन्मानित। किशोरजी पाटील आपल्याला विनंती असेल आपण आपल्या सन्मानाचा स्वीकार करावा। सागर भेड लगातार अगर 3 विकेट लेते हैं तो गुरुनाथ शेलार ने 500 का इनाम रखा है। सागर भेड ओ तेज तरार गेंद 7 गेंदों में अब तक 1 रन दिया है बल्ले से। दिस इज द फास्ट एंड फ्यूरियस बॉलिंग फ्रॉम सागर भेड लाइन ऑफ अटैक बहुत एक्सटर्नल है। हनुमान जी भोईर यांच्याकडून देखील 3 गडी जर सागरने बाद केले तर 500 रुपयांचं रोख पारितोषिक देण्यात येईल। विकेट हॅट्रिक साठी दीपक जी भोईर विद्यमान पोलीस पाटील सरोली पाडा यांच्याकडून 1500 रुपयांचं रोख पारितोषिक आहे। सागर भोईर इस मरतबा खोद के निकाला है लॉन्ग ऑफ पे खिला रही है 1 रन आगे रखा था गेंद को खोलवर टप्पिया सा चेंडू होता हो 1 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ 15 पे पहुंचा है। ये मुकाबला भी धीरे धीरे फंसता जा रहा है। सागर वीर से चर्चा कर रहे हैं वहां पर सागर वीर सागर फ्लोरे के लिए उड़ाया है पीछे खिलाड़ी आउट सागर फ्लोरे। आज सामने घेऊन मामा ग्रुप दर्शक नावानी केला आयोजन हेंदर मामा निकर्सन दादानी बड़ी विकेट सागर फ्लोरे आउट होके जा रहे हैं और ये पहला झटका हमने को लगा है। इसके बाद जो मुकाबला है इस मैच की विजेता टीम और परी 11 गोरसई के बीच में मुकाबला रहेगा। उसके बाद देखना है कि पहला
फाइनल क्या सिटी क्रिकेट से रहेगा? यस, लेकिन उसके बीच में भाई 11 और मामा 11 का मैच रहेगा। स्कोर इस वक्त आमने का 15 रन 1 विकेट। या ठिकाणी सौभाग्यवती कांताताई कैलास पाटील मॅडम यांचं देखील शुभागमन होत आहे। हार्दिक स्वागत मामा चषक 2023 मध्ये। सोनू भोईर ने भी ऐलान किया है कि हैट्रिक अगर लेते हैं सागर तो 1000 रुपया। सौ कांताताईंना विनंती असेल आपण व्यासपीठावर येऊन विराजमान व्हायचं आहे। आपलं सहर्ष स्वागत। इस मरतबा बढ़िया गेंद, आगे रखा था, लेंथ गेंद थी, पांव नहीं चले थे, विकेटों के ऊपर से चली गई विकेट कीपर के पास। क्या बॉलिंग कर रहे हैं सागर भोईर, अब तक 9 गेंदे 10 गेंदे कर चुके हैं जिसमें 2 रन देकर 1 विकेट लिया है। इट हैज बीन अ इकोनॉमिकल बॉलिंग फ्रॉम सागर भोईर। फ्लिक कर दिया है, पीछे खिलाड़ी नहीं पहुंच पाए, गोदी में कैच था और यहां पे रन आउट। सामने ठेवलं मामा ग्रुप चषक नावानी, केलं आयोजन हेंदर मामानी करसन दादानी, केलं आयोजन हेंदर मामानी करसन दादानी। अंपायर पूछ रहे हैं कि कौन सा बैट्समैन आउट है, हालांकि बैट्समैन आपको जाना नहीं जब तक अंपायर का निर्णय नहीं आता है। दूसरा बैट्समैन भी अंदर आ चुका है। आणि याच दरम्यान आदरणीय नामदेव चौधरी साहेबांचं शुभागमन होत आहे। आपलं हार्दिक स्वागत, ज्यांच्या माध्यमातून मॅन ऑफ द सिरीज साठी एलईडी टीव्ही देण्यात आलेला आहे। खूप मोलाचं सहकार्य आदरणीय नामदेव चौधरी साहेबांचं या स्पर्धेला लाभलेलं आहे, त्यांचं शतशः आभार आम्ही व्यक्त करीत आहोत आणि त्यांचं पुनश्च हार्दिक स्वागत देखील आम्ही करीत आहोत। वेलकम सर। देखना है कि कौन से बॅट्समॅन आउट आहे, जिनकी पीठ थी वो आउट आहे या जिनका मुंह था स्ट्राइक एंड पे वो आउट आहे। तीसरे अंपायर बहुत ही करीब से देखते हुए, हार्ट ऑफ भिवंडी दीपक मडवी काफी मजा ले रहे हैं, हालांकि उनकी कमी बहुत खल गई थी दिनेश को जब वो सेमीफाइनल में नहीं थे। देखना है कि तीसरे अंपायर का निर्णय क्या आता है।
व्यासपीठावर आपण सन्मानाकडे वळूयात. सौभाग्यवती हर्षताताई चोरकी मॅडम आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत. मी प्रशांत आउट आहे, बकोल तिसरे अंपायर के प्रशांत आउट आहे. आणि याच दरम्यान सुरेंद्र मार्के साहेब यांचं शुभ आगमन झालेलं आहे. आपलं हार्दिक स्वागत. तर आपण हर्षदाताई चौधरी यांना सन्मानित करूयात. हर्षदाताई चोरगे, विनंती असेल चित्राताईंना आपल्या शुभ हस्ते आपण या ठिकाणी हर्षदा मॅडम यांना सन्मानित करायचं आहे. नए बैट्समैन बल्लेबाजी को आए इस वक्त कुमार केने के. चित्राताई हेंदर पाटील मॅडम यांच्या शुभ हस्ते आपण सन्मानित करतो या मंचावर. सौ हर्षदाताई विजय चोरगे मॅडम यांना या व्यासपीठावर. ज्योतिताई रमेश चोरगे मॅडम देखील उपस्थित आहेत, त्यांचा देखील सन्मान आपण करणार आहोत. मी त्यांना विनंती करेन आपल्या सन्मानाचा आपण स्वीकार करायचा आहे. चित्राताईंनाच विनंती असेल आपल्या शुभ हस्ते आपण ज्योतिताई रमेश चोरगे मॅडम यांना सन्मानित करायचं आहे. खेल की शुरुआत होती भी सागर भोईर जड़ में गेंदती खोद के निकाला शॉर्ट कवर्स में गेंद एक रन. स्कोर आगे सरकता हुआ 17 पे पहुंचा है. 3 ओवर की समाप्ति सागर भोईर के लिए टालियां होना चाहिए. 2 ओवर में केवल सागर भोईर ने 3 रन दिए और 1 विकेट. इट हैज बीन अ इकोनॉमिकल बॉलिंग स्पेल फ्रॉम सागर भोईर. अब 2 ओवर बचे और 2 ओवर में जीतने के लिए रन चाहिए 28. किसकी होंगी हार और किसकी होंगी जय जयकार, आइए सुनते हैं पावरफुल कमेंटेटर सुनील पवार से. अनेक अनेक धन्यवाद व्हॉइस ऑफ ठाणे भावे सर. तर सामना रंगतदार स्थितीकडे आला आहे, पण कौतुक करावं लागेल. मी ज्या प्रकारे उल्लेख करतोय की ठाणे जिल्ह्याचा ग्रामीणचा जर सर्व स्टार ऑलराऊंडर पाहिला, पण सागर भोईर यांनी परत एकदा अतिशय उच्च कोटीची बॉलिंग केली आणि आपल्या टीमला जवळपास विजयाकडे वाटचाल करताना पाहतोय आपण. सामना अजून संपला नाही, धावसंख्या पाहतोय धावपळकर फक्त 17 आहे. इथून मागचा 12 चेंडूचा खेळ बाकी आणि सामना जिंकण्यासाठी 28 धावीची आवश्यकता आहे. प्रतिषटकामागे जर विचार केला आपण निश्चित विशाल नाईक, तर 14 धावाची सरासरी पार करावी लागेल. सामना कसा असावा तर त्याचं उत्तम उदाहरण इथे मात्र पेश करताना निश्चित यजमान संघ पाहतोय आपण. जनुमान सरोली टीम ज्या प्रकारे खेळपट्टीचा पुरेपूर अभ्यास आहे त्याप्रकारे गोलंदाजी करतोय आणि सामना मात्र आपल्या टीमकडे घेऊन जाताना पाहतोय. चेक 2 या ठिकाणी शुभ आगमन होत आहे सन्माननीय जयदादा गुरुनाथ शेलार साहेबांचं, ज्यांच्या माध्यमातून मॅन ऑफ द मॅचच्या मॅन ऑफ द सिरीजच्या ट्रॉफीज स्पॉन्सर करण्यात आलेल्या आहेत. त्यांच्या समवेत त्यांचे मित्र सूरजदादा भंडारी यांचं देखील शुभ आगमन या क्रीडानगरीमध्ये होत आहे. दोन्ही मान्यवरांचं आम्ही करतोय हार्दिक स्वागत मामा चषक 2023 या स्पर्धेची अंतिम रात्र आणि एक महत्त्वाची मॅच सध्या मैदानामध्ये चालू आहे, सरवली विपक्ष आमणे. जाऊयात पुन्हा एकदा कॉमेंट्री बॉक्सकडे आणि तिथून ऐकूयात सुनील पवार यांचं धावतं समालोचन. खूप खूप धन्यवाद अजय ग्रत्र. सामना इथं मात्र एक रंगतदार स्थितीकडे घेऊन आणलंय. खास मी तर म्हणेन की सागर भोईर यांचं जेवढं कौतुक तेवढं कम आहे. विकेट अटिकला सोनू भोईर यांच्याकडून निश्चित 1000 रुपयाची रोख रक्कम कायम आहे. चला आपण वेळेचं सुद्धा भान ठेवायचं आहे. सामना अतिशय चांगला तरीनं रंगताना पाहतोय. व्यक्तिगत जर पहिला आत्ता मात्र टीमच्या माध्यमातून 14 षटक टाकण्यासाठी जयस पाटील येतोय. हा षटक ठरेल की सामना कुठल्या टीमकडे झुकलेला दिसेल. डावखुरा बॅटर सज्जते खेळण्यासाठी तो म्हणजे कुमार केने. निश्चित जे मेन गेट आहे जो मेन गेट आहे तिथून आमच्या लड़के मायबाप क्रिकेटर शिकाणी बाजूला यायचे. जो मेन गेट आहे वहां से हटना है आप सभी को. मैं गुजारिश करना चाहूँगा फिर से, जो मेन गेट है वहां से हटना है सभी को. तर बॅटिंग करण्यासाठी कुमार केने सज्ज होतोय. डावखुराचा बॅटर हा एका चांगली उच्च कोटीची बॅटिंग करावी लागेल. 12 चेंडूमध्ये 28 धावा. सामना जिंकण्यासाठी आमणे स्पोर्ट आमणे टीमला जयस पाटील उच्च कोटीचा बॉलर पाहतोय आपण.
पहला चेंडू लाइन चुकीची आहे, टपापल्यानंतर खूप चेंडू बाहेर वळतोय, पण त्याची दुनिया समांतर रेषेत वाईडचा इशारा येतोय. जयस पाटील मात्र खराब सुरुवात करतोय. या एका धावणी टीमची धावसंख्या पुढे सरकते ती 18. आणि जवळपास जर पाहिले आपण फक्त आणि फक्त दोन बॅटर बाद झाले, इथून मात्र आक्रमण करावं लागेल. हा षटक सांगेल की सामना कुठल्या टीमकडे झुकल्या जाईल. यश पात्रा सुरेख अप्रतिम अप्रतिम बॅट ची स्पर्श घेऊन चेंडू मात्र विकेट किपरच्या हातामध्ये धक्का बसलाय. अजून एक तिसरा फलंदाज बाद. एका क्षणी जेव्हा जी हनुमान सर्विस संघ बॅटिंग करत होता असं वाटलं होतं की 35 किंवा 30 आकडा पार करेल की नाही, पण मात्र अंतिम षटकामध्ये एका जबरदस्त बॅटिंग केली होती हर्षद चौधरी यांनी, आणि त्याच बळावर मात्र 25 धावचं एक माफक आव्हान उभं केलं आहे. त्यानंतर मात्र कातिलांना बॉलिंग कशाला म्हटला ते दाखवलंय. सागर भोईर यांनी जो दबाव टाकला त्या दबावातून मात्र सावरू शकला नाही आमने स्पोर्ट आमने टीम, आणि दबावाच्या खाली बॅटिंग करताना पाहतोय. अजून एक अचूक टप्प्याचा चेंडू होता, बॅटची कट घेऊन विकेटकीपरच्या हातामध्ये धक्का बटलाय तो तिसरा. नवीन सरवली सरवली गावचे कुस्ती पहलवान सन्मान्य हनुमानजी भोईर यांच्या माध्यमातून विकेट हॅट्रिकसाठी तब्बल 500 रुपयांचं रोख पारितोषिक देण्यात येईल. नवीन बॅटर सत्यम दळवी येतोय खेळपट्टीवर. एक चांगली बॅटिंग करावी लागेल, निश्चित तो कोण करेल हा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाला असेल आमने स्पोर्ट आमने टीमच्या खेळाडू कक्षामध्ये, कारण की एका क्षणी वाटलं होतं की सामन्यावर पकड मजबूत आहे, पण अतिशय सुरेख बॉलिंग पाहिली आपण आपल्याच होमग्राऊंडवर. जय हनुमान सरवली टीमची जबरदस्त कामगिरी. सामन्याची उलटी गिनती पाहते आपण, 11 चेंडूचा खेळ बाकी आहे आणि इथून मात्र 27 धावीची आवश्यकता आहे. अचूक माहिती देताना एक अजून चांगली गुणलेखक तालुका क्रिकेटमध्ये विशाल नाईक सरच्या माध्यमातून. क्षेत्रक्षण तोच कायम पाहतोय आपण, कुठल्या प्रकारे बदल नाही आहे. हर्ष चौधरी यांना पाहू शकता एक्स्ट्रा कव्हर सर्कलच्या आतमध्ये क्षेत्रक्षण करताना. मोनिश मिडविकेटला उभा आहे. त्यानंतर जर पाहिलं आपण स्क्वेअरलेक बॅकवर्ड स्क्वेअरलेक फाईनलेक सर्कलच्या आतमध्ये जय सज्जवताना डावखुरा गोलंदाज फुलटा चेंडू बॅटच्या पेटात हवा तसा आला नाही आहे, पण झेल होण्यासारखी संभावना दिसत नाही आहे. एक धाव पूर्ण आणि जोपर्यंत मात्र चेंडूला फील केल्या जाते थ्रो केल्या जाईल तोपर्यंत मात्र 2 धावा सहज कम्प्लीट. या 2 धावांनी टीमची धावसंख्या पुढे सरकते ती 20. अजून सामना जिंकण्यासाठी इथून मात्र निश्चित पाहतो की आपण बरोबर राईट. इथून 10 चेंडूचा खेळ बाकी आहे आणि 25 धावीची आवश्यकता आहे. पॅक क्राऊड पाहतोय आपण आणि निश्चित मामा चषक 2023-6 शेवटचे काही क्षण पाहतोय आपण. गती परिवर्तन बोट फिरवली आणि फिरवलंय बॅटरला. अजून एक धमाल आणि कमाल बॉलचा मारा करतोय जयस पाटील. मामाच्या सोबत राहून या स्पर्धेच्या माध्यमातून ज्यांनी आयोजनाला खूप विशेष लाख मुलाचं सहकार्य दिलं, मामा ग्रुपचे सदस्य अरविंद चौधरी, त्यानंतर संतोष पाटील म्हणजेच बाळू पाटील, महेंद्र चौधरी पाहतोय आपण, खूप उच्चकोटीचं प्रदर्शन त्याच्या माध्यमातून सुद्धा. यावेळेस पात्र हा चेंडू चुकीचा आहे. टप्पा पडल्यानंतर चेंडू बाहेर वळतोय. दोन्ही हात समांतर रेषेत वाईडचा इशारा येतोय. चेक. या ठिकाणी आदरणीय भीमाबाई मोतीराम चौधरी ताईंचं देखील आगमन झालेलं आहे, त्यांचं देखील हार्दिक स्वागत आम्ही करीत आहोत. अरविंद चौधरी यांच्या मातोश्री आहेत. आणि एवढं सोपं नाही कुठल्याही टीमला त्याच्याच घरामध्ये जाऊन हरवणं, कारण की क्वचित असे सामने पाहायला मिळतात. पाठीराख्याचा बुलंद होटला त्यांच्या पाठीशी असतोय. पुढे येऊन ऑन ड्राईव्ह ठीक आमच्या समोर चेंडू ट्रॅव्हलिंग करताना मोनिश अतिशय वेगात चेंडूवर जातोय. यावेळेस पात्र पहिल्या ॲक्शनमध्ये चेंडूला फील करतोय, थ्रो करतोय. फक्त आणि फक्त एक सिंगल, जबरदस्त बॉलिंग. टाळ्यांचा कडकडाट ऐकतोय आपण, उत्साह वाढवताना आपल्या खेळाडूचं प्रत्येक पाठीराखे. अक्का सरवली गाव पाहतोय की आपण मैदानाच्या स्टँडमध्ये पाहतोय आपण, कारण की आपला संघ जेव्हा जेव्हा खेळतोय आणि भिवंडी टेनिस क्रिकेटला ग्रेट का म्हटलं जात आहे, ना पैशासाठी ना नावासाठी, आम्ही फक्त टेनिस क्रिकेट खेळतोय आमच्या गावासाठी हे सांगताना येतं मात्र जनमान सरवली टीमचे प्रत्येक खेळाडू. प्रेक्षकांसाठी देखील आता सुवर्ण संधी आहे. सीमारेषा पलीकडे जर तुम्ही झेल स्वीकारलात तर तब्बल 200 रुपयांचं रोख पारितोषिक मामांच्या माध्यमातून देण्यात येईल. जयेश याच पात्र कोलवट्टप्याचा चेंडू होता. अप्रतिम अप्रतिम प्रत्येक चेंडूमध्ये विविधता पाहायला मिळते, व्हेरिएशन पाहायला मिळते आणि जबरदस्त बॉलिंग करताना. आता मात्र आमने स्पोर्ट आमने टीमला वापी करणं शक्य वाटतोय, कारण की चेंडू शिल्लक आहे फक्त आणि फक्त जर पाहिले आपण 7 आणि समीकरण जर पाहिलं आपण
तेवीस धाव चव्हाण आहे. या चेंडूवर जर एखादा षटकार आला तर मात्र अंतिम षटकामध्ये थोडीशी रंगत पाहायला मिळेल. अजून एक अप्रतिम काय कमालीचा षटक इथे मात्र हाताळलंय जयस पाटील. एक डावकुर अतिशय उच्च कोटीचा हा बॉलर जल्लोष जल्लोष पाहतोय आपण या क्रीडानगरीमध्ये. निश्चित कालपासूनच मामा यांनी सांगितलं होतं की चेंडू जेव्हा बाहेर जातोय आमच्या लाडक्या क्रिकेट रसिकाला सुद्धा जर आपण बाहेर गेला झेल षटकार झेलमध्ये कन्व्हर्ट करू शकता तर आपल्यासाठी सुद्धा 200 रुपयाची रोख रक्कम दिली जाईल. सहा चेंडू सामना जिंकण्यासाठी 23 म्हणजे प्रत्येक चेंडूवर तुम्हाला चौकार मारावा लागेल आणि अशा दबावच्या क्षणी मात्र चौकार मारणं कठीण आहे हे पाहू शकता आपण. पॅक क्राऊड खचाखच भरलेला हा क्रीडांगण पाहतोय आपण. जनुमान क्रीडानगरी सरळीच्या ऐतिहासिक मैदानावर पहिल्या पर्व पाहतोय आपण मामा चषकच आणि पहिली ही डेनेट स्पर्धा या मैदानावर. खरा हिरो ठरला या सामन्यातला जर पहिला आपण आतापर्यंतच्या खेळाचा उल्लेख जर केला आपण परिस्थितीचा आढावा जर घेतला तर ग्रेट ऑलराऊंडर ठाणे डिस्ट्रिक्ट सागर भोईर कृपया कुंजे पाटी राके जो हमारे क्रिकेट प्रेमी गेट के सामने बैठे हैं उनसे निवेदन है कि आपको वहां से हटना है. आपको हटना है अपने पाठीमागे जाए अन्यथा आयोजक कमिटी के कई मेम्बर त्यासाठी अपन स्टैंड मध्ये जाऊन बसायचे. सहा चेंडू सामना जिंकण्यासाठी 23 असं समीकरण. एक चमत्कारी एक क्लास बॅटिंग पाहायला मिळेल काय. इथून मात्र जर टॉप 3 मध्ये प्रवेश करायचा असेल तर तुम्हाला हवाई तिकीट बुकिंग करणं गरजेचं आहे. स्ट्राईकला बॅटर पाहतोय आपण. प्रशांत पाहतोय आपण एक वेगवान रफ्तार के सौदागर. प्रशांत यांनी जर विकेट हॅटिंग पूर्ण केली तर गुरुनाथ शेलर साहेब यांच्याकडून विकेट हॅटिकला 500. प्रशांत एक जबरदस्त हाईट आणि त्या हाईटचा पूर्ण वापर करून घेईल काय. उच्च कोटीचा बॉलर रफ्तार के सौदागर म्हटल्या जाते या टीमचा एक पाठीचा कण्णा आहे. पहिला चेंडू पुलचा फटका नियंत्रित फटका पाहिला आपण. ऑनसाईड कडे एकदा पूर्ण फक्त मिळेल एक सिंगल. आता मात्र 5 चेंडूने सामना जिंकण्यासाठी 22 धावीची आवश्यकता आहे. सामना पूर्णपणे आता मी तर म्हणेन की विशालने एक सर एकतर्फी सामना पाहतो की काय कारण की 44 धाव धावपलक होत्या 45 धावचं टार्गेट होतं पण कमाल आणि धमाल बॉलिंग केली. एकच हिरो ठरलाय आतापर्यंतच्या खेळामध्ये सागर भोईर. आदरणीय बालम चौधरी साहेबांचं देखील शुभ आगमन या व्यासपीठावर होत आहे. त्यांचं देखील मामा चषक 2023 मध्ये हार्दिक स्वागत. जे मेन गेटवर आमचे काही क्रिकेट रसिक आहेत कृपया करून वारंवार सूचना करतोय आणि आपण जर ऐकलं नाही आता तर आमचे आयोजक कमिटीचे काही मेंबर येतील. जे बॅनर जवळ एक आमचा पाठीराका आहे आपण पडद्याच्या पाठीमागे जाता दादा हा तुम्हीच यात हा क्लास फटका आहे. पाहतोय आपण फक्त आणि फक्त मिळेल सिंगल. आता मात्र येणारे इथून मात्र 4 चेंडू दुसरी धाव सहज कंप्लीट होईल. तर कुस्तीपट्टू हनुमान दादा यांच्याकडून सुद्धा पाहतो की प्रशांतसाठी जर विकेट हॅटिक पूर्ण करेल तर आता मात्र 1000 रुपये पण चेंडू शिल्लक आहे फक्त ते 4 आणि सामना जिंकण्यासाठी 20 धावीची आवश्यकता. म्हणजे 4 षटकार इथं मात्र ठोकायला लागेल मॅक्झिमम 3 किंवा 1 चौकार तरच सामना विजय संपादन करेल आमने स्फोट आमने. विकी मात्र थोडंसं निराजनक स्थितीमध्ये असेल कारण की या टीमचं बॉलिंगचं प्रदर्शन उच्च कोटीचं पाहिलं होतं आणि सोनूभाई यांच्याकडून सुद्धा 2 विकेट जर प्राप्त केले तर 1000 रुपये. आता चांगला चेंडू होता तेवढा छान असा फटका खोदून काढलाय ऑन ड्राईव्हच्या स्वरूपात. मोनीश चेंडूवर येतोय आणि इथं मात्र म्हणावं लागेल की जवळपास टॉप 3 साठी दरवाजा इकडं मात्र ओपन केलंय टीम जनुमान सरवलीनी कारण की 3 चेंडूने सामना जिंकण्यासाठी 19 3 षटकार जर मारले तर निश्चित मला वाटते की याच पात्र हा चेंडू फटका फर्स्टला आहे स्वीकारले जेल आणि परतीचा प्रवास करावा लागेल इथं मात्र बॅटरला. आयोजन हेंदर मामानी करसन दादानी केलाय आयोजन हेंदर मामानी करसन दादानी. म्हणजे इथं पाहतोय की आमच्या सर्व ताई सुद्धा इथं व्यासपीठावर आहे आपल्या टीमच्या प्रत्येक खेळाचा हौसला वाढवण्यासाठी आणि प्रशांत काय ग्रेट बॉलिंग करतोय ग्रेट ग्रेट सुपर हिट बॉलिंग पाहतोय आपण.
एक जबरदस्त बॉलिंग करताना आणि आता मात्र निश्चित किती चेंडू शिल्लक आहेत दोन आणि या दरम्यान आदरणीय मंदार जोशी साहेबांचं देखील शुभ आगमन होत आहे. कल्याणहून या ठिकाणी ते या स्पर्धेला सदिच्छा भेट देण्यासाठी उपस्थित झालेले आहेत. मंदारजी जोशी आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत आम्ही करीत आहोत मामा चषक 2023 मध्ये. आणि यावेळेस पात्र बाउन्सर बॅटची कट आणि विकेट आणि इथं मात्र मला वाटतं की सोनूबाई मॅक्झिमम द्यायला लागेल 1000 रुपये प्रशांतला. दोन विकेट प्रशांत क्या बात आहे प्रशांतसाठी जोरदार टाळ्या आणि अजून एक जर विकेट घेतला तर 2000 रुपये अजून. प्रशांत सोबतच राहावं लागेल ज्या प्रकारे प्रशांतला बक्षीस मात्र मिळालंय. चला आपण प्रशांत जास्त वेळ घेऊ नका मनीष चला आपण लगेच सामन्याला सुरुवात करायची आहे. एकतर्फी सामना अपेक्षा होत्या की एक सामना टफाईट पाहायला मिळेल पण सागर भोईर यांनी जे 2 षटकं टाकले तिथं पूर्णपणे दबाव टाकलं. 2 षटकांमध्ये सागर भोईरने एकच विकेट प्राप्त केला पण काय अतिशय अप्रतिम उच्च कोटीची बॉलिंग पाहिली आपण आणि सातत्याने पाहतो या स्पर्धेमध्ये चमकदार कामगिरी करतोय मग सिटी क्रिकेट असो की ग्रामीण क्रिकेट. सज्ज होताना पाहतोय आपण प्रशांत. ओ हा चेंडू मात्र परत टाकावा लागेल अति उत्साहित हा चेंडू टाकला होता प्रशांत यांनी. आणि प्रशांत तुझ्यासाठी एक सांगेल कधी कधी म्हणतात अति काही संघटनात नाही त्या प्रकारे तुम्ही हा चेंडू टाकण्याचा प्रयत्न केला होता. परी 11 गोडसे बी टीमचा कॅप्टन आपण या टॉस बॉक्स मध्ये. फुल टॉसर हा फटका चांगला आहे पण हवेत सुरेख झेल आणि इथं मात्र अजून एक विकेट प्राप्त करतोय प्रशांत. लगेच मैदान खाली करायचंय कारण की टीमचे कॅप्टनला पाठवायचंय कारण की आपण आयोजक संघ आहेत म्हणून सागर दादा आपण या लगेच जे पाठीराखे आहेत आपण मैदान सोडायचंय. प्रशांत पाटील यांच्यासाठी गुरुनाथ शेलार साहेबांकडून 500 रुपयांचं रोख पारितोषिक आहे. सो प्रशांत आपण व्यासपीठावर यायचं आहे हे पारितोषिक स्वीकारण्यासाठी. आणि याच दरम्यान या ठिकाणी शुभ आगमन होत आहे मामांचे लाडके जावई माताडी बिल्डर्स अँड डेव्हलपरचे सर्वे सर्वा परी 11 गोरसे बी संघाचे पुरस्कर्ते या स्पर्धेमध्ये माननीय श्री राजन रविकिरण पाटील साहेबांचं आणि त्यांच्यासमवेत असलेल्या त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांचं देखील हार्दिक हार्दिक स्वागत. भावे सर आपको टॉस बॉक्स में रहने का है. तुम्ही पाहू शकाल संदीपजी पाटील साहेब देखील त्यांच्यासमवेत आहेत. अमरराज भोईर साहेब देखील या ठिकाणी उपस्थित होत आहेत. सर्वच पाहुण्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत. सन्मानित दीपकजी डायरे साहेब आपलं देखील सहर्ष स्वागत आम्ही करीत आहोत मामा चषक 2023 मध्ये. अजय एक मिनिट थांबवतो मी आपल्याला कारण की सामना जो ठरलाय खरे खऱ्या अर्थानं 2 दावेदार होते. अंतिम षटक प्रशांत सुद्धा त्यांनी दावेदारी पेश केली होती पण खऱ्या अर्थानं या सामन्याला कलाटणी देणारे 2 षटक ज्यांनी हाताळले तो ठरलाय या सामन्यातला खरा हिरो म्हणजे द ग्रेट ऑलराऊंडर ठाणे जिल्हा ग्रामीण. मी सातत्य उल्लेख करतोय सागर भोईर आपण लगेच या मॅन ऑफ मॅचचा पुरस्कार सागर भोईर. सागर आपण देखील यायचं आणि प्रशांत आपल्याला देखील विनंती असेल आपण देखील व्यासपीठावर यायचं आहे. गुरुनाथजी शेलार साहेबांकडून आपल्यासाठी 500 रुपयांचं रोख पारितोषिक आहे आणि तसेच सोनू यांच्याकडून सुद्धा 2000 रुपये रोख रक्कम आहे प्रशांतसाठी. प्रशांत आपण या. प्रशांत निश्चित आज की शाम सागर और प्रशांत के नाम. जबरदस्त खेळ पाहायला मिळाला जय हनुमान सरवली संघाकडून आणि या विजयाबरोबरच सेमीफायनलची फेरी त्यांनी गाठली आहे आणि आता पुढचा सामना जो असेल ग्रामीण गटातून तो सेमीफायनलचा सामना आपल्याला पाहायला मिळेल. परी 11 गोरसई बी विपक्ष जय हनुमान सरवली. तर सर्वप्रथम आपण सामनावीराचे पुरस्कार देणार आहोत या व्यासपीठावर. सर्वप्रथम ग्रुप ग्रामपंचायत सरवलीच्या विद्यमान सदस्या सोनमताई संतोष पाटील मॅडम यांना मी विनंती करेन. आपल्या शुभ हस्ते मॅन ऑफ द मॅचची ट्रॉफी आपण द्यायची आहे. मॅन ऑफ द मॅच खेळाडू सागर भोईर सरवली एक्सप्रेस काय अफलातून गोलंदाजी केली. त्यानंतर सौ शकुंतला मुकुंद भोईर मॅडम
यांना विनंती असेल ज्या पेशानं शिक्षिका देखील आहेत त्यांच्या शुभास्ते आपण देतोय गिफ्ट हॅम्पर. पुढचं पारितोषिक सुलोचनाताई गोपीनाथ शिलार यांच्या शुभास्ते आपण देत आहोत. आकर्षक बॅग आहे